नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा होने वाली सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम प्यार के रिश्ते। शुक्रिया बहन, आपने बचा लिया, वरना आज तो हाथ पांव की खैर नहीं थी। आह, क्या हुआ? लगता है पांव में मोच आ गई है। ओहो, तब तो इस पांव पर जोर डालना ठीक नहीं होगा। रुकिए, मैं रिक्शा बुला देती हूँ, आप उसी पर घर चली जाइएगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मेरा घर यहाँ से नजदीक ही है। वो जो सामने गली नजर आ रही है ना, बस वहीं रहते हैं हम। लेकिन आप जाएंगे कैसे? अच्छा ठहरिए, मैं आपको सहारा देकर वहां तक पहुंचा देती हूँ। अच्छा चलिए। ये लीजिए, ये बर्फी और खाइए ना। नहीं नहीं बस। तो आप लोग पिछले ही महीने आए हैं यहाँ? जी हाँ, अभी हाल ही में हमारा तबादला यहाँ हुआ है। मेरे शौहर रऊफ अहमद दवाइयों की कंपनी में काम करते हैं, और मेरा नाम रेहाना है। मैं सुशीला हूँ, यही बाजार में मेरे पति की कपड़े की दुकान है। बस नीचे दुकान और ऊपर घर। चलिए बड़ा अच्छा हुआ, आपसे जान पहचान तो हुई, अब ये शहर इतना पराया पराया नहीं लगेगा। आपके घर पर और कौन कौन है, मेरा मतलब बाल बच्चे? बस एक बेटी है, रश्मि, एमए में पढ़ती है। आय हाय, तो बेटा नहीं है? जी नहीं, बेटा तो नहीं है, मगर हमें इस बात का कोई दुख भी नहीं है। बेटी हो या बेटा, जो भी हो, स्वस्थ हो, समझदार हो, और क्या चाहिए। अब आप कुछ भी कहिए सुशीला बहन, पर बेटा तो बेटा ही होता है, बेटी तो ठहरी पराया धन, दाना चुगा और उड़ गई। खानदान की शान तो बेटा ही बढ़ाता है। हमारा असलम हुआ था तो उसके पैदा होने की खुशी में हमारे ससुर ने इतनी बड़ी दावत की थी कि बस कुछ पूछिए मत। सबसे बड़ा पोता जो ठहरा। अच्छा, और आपके बाकी बच्चे? असलम की पीठ पर के भी दोनों बेटे ही हैं आपकी दुआ से। हमारे ससुर तो कहते थे कि रेहाना ने जो बोहनी की तो फिर पोतों से घर भर गया मेरा। मेरे दोनों देवरों के यहाँ भी लड़के ही लड़के हुए। यूं समझ लीजिए कि हमारे सारे खानदान में एक भी लड़की नहीं है। तब तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपके मायके में सिर्फ लड़के ही लड़के नहीं हुए हैं। वो क्यों? नहीं तो आप कहाँ से आती? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आदाब चाची। अरे कौन? रश्मि, आओ आओ बेटी, आ जाओ। चाची, आपने जो गोटा किनारी मंगवाया था वो मैं ले आई हूँ। जीती रहो बेटी, खुदा चांद सा दूल्हा दे। अरे चाची, आपने सुना नहीं कि चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं? ऊपर से वहाँ न हवा है न पानी। चांद के साथ गुजारा करना बड़ा कठिन है चाची। शैतान कहीं की। अम्मी, भाईजान कब तक लौटेंगे? क्यों, क्या बात है? और रश्मि आपा को आदाब आदाब कुछ नहीं? आदाब आपा। आदाब। बताइए ना अम्मी, भाईजान कब तक लौटेंगे? अरे डॉक्टरों के आने जाने का भी कोई वक्त होता है बेटा, जब फुर्सत होगी तो। मुझे सवाल कौन समझाएगा? अरे क्या है अनवर, दिखाओ तो। ये देखिए आपा,
चलो मैं समझाई देती हूँ। तो चलिए चलिए मेरे कमरे में। चलो चलिए। अम्मी रश्मि आपा बहुत अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी। काश वो सचमुच में मेरी आपा होती। वो तो है ही। वैसे नहीं तो मतलब हमारी सगी बहन होती, हमारे साथ रहती। लो सुना अम्मा जी क्या कह रहा है आपका पोता। अरे बेटा ये तो हमारे वक्तों में होता था जब पूरा खानदान साथ रहता था और ढेर सारे बच्चे होते थे, तब सारे रिश्ते खानदान में ही पूरे हो जाते थे। जी भाई अब जमाना और है, सब अलग अलग रहते हैं और बच्चे भी कम होते हैं। तो क्या हुआ अम्मा जी, रिश्ते क्या सिर्फ खून के ही होते हैं? क्या बनाए नहीं जा सकते? क्यों नहीं, ये तो मानने की बात है। जी अनवर बेटा अब तुम रश्मि को आपा मानते हो तो वो बड़ी बहन हुई ना तुम्हारी। असलम भाई जान से तो लाख दर्जे अच्छी है, सारे सवाल समझा देती हैं और ना कभी डांटती हैं ना फटकारती हैं। असलम भाई जान तो बस हमारा जिक्र क्यों हो रहा है अनवर? कुछ नहीं भाई जान, मैं तो कह रहा था कि रश्मि आपा बहुत अच्छी हैं। वाकई है तो, काश तुम्हारी जगह वो हमारे घर पैदा हुई होती तो घर की रौनक ही अलग होती। अब रौनक भी आने वाली है, एक महीने बाद तुम्हारे भाई जान की शादी हो जाएगी फिर अपनी भाभी जान के साथ। भाभी जान तो ठीक है दादा, पर काश मेरी एक आपा भी होती। ओहो अल्लाह क्या मुसीबत है, एक भी काम वक्त से नहीं हो सकता इस घर में। अनवर, अरे ओ अनवर। जी अम्मी। वो हलवाई आ गया क्या? हाँ वो तो कब का आ गया। अच्छा सुशीला चाची वही बैठी है। अच्छा। अपने सामने मिठाई बनवा कर पीछे वाले कमरे में रखवाती जा रही है। ठीक है ठीक है, और सुन बाहर कनात मनात लगी के नहीं? अनीस भाई इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा अम्मी दद्दा आपको बुला रही थी। अच्छा अच्छा आपने मुझे बुलाया अम्मा जी? हाँ दुल्हन ये तो देखो। हाँ। ये चौकी यहाँ रखवा दी है। अच्छा अब बुलाओ दूल्हे राजा को और यहाँ बैठाओ उन्हें। असलम यहाँ बैठ जाओ बेटे। बैठ तो जाऊँ अम्मी लेकिन यहाँ बैठ कर क्या करूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटे, तुम तो बस चुपके से बैठे रहो, तुम्हारी बहने मंडा लिपाई करेंगी। समझे? ये क्या बला है? बला क्यों होने लगी भला, दूल्हे को चौकी पर बैठाकर उपटन लगाते हैं, निखार लगाते हैं, फिर यहीं बैठकर बहनें मेहंदी रचाती हैं, गीत गाती हैं। समझे? बहनों का ये शगन है बेटा। तो गोया इस वक्त इस शगन के लिए एक अदद बहन की जरूरत है। अरे भाई मैं तो ये समझता था कि हमारे मुल्क में बेचारी लड़कियों की कोई कीमत है ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, बेटियां तो घर की जीनत होती हैं। लेकिन अब क्या करूं, न सगी बहन है कोई न चचाजात, उधर मेरे भाई भाभी दूर परदेश बसे हैं, शादी के लिए भी नहीं आ सके, इस वक्त बहन कहाँ से लाऊं? इसमें परेशान होने की क्या बात है रश्मि आपा जो है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। चाची लीजिए चाची, असलम भाई की अचकन प्रेस करके एकदम तैयार कर दी है। अचकन इधर रख दो बेटी, आज तुम्हारी बड़ी सख्त जरूरत है। अच्छा बताइए ना क्या करना है? करना ये है बेटी कि अपने इस भाई को उपटन लगाना है। लाइए लाइए अभी लगाए देती हूँ। क्यों असलम भाई कहाँ से शुरू करूँ? ये क्या मुसीबत है? अरे अभी क्या मुसीबत है भाई जान, मुसीबत तो तब आएगी जब उपटन लगवाने के बाद मेरा नेक देना पड़ेगा। समझे? अच्छा जी, एक तो उपटन लगवाकर जोकर बनो और ऊपर से इस बात की पैसे भी दो। लो सुनो। और नहीं तो क्या,
पली पलाई बीए पास बहन क्या मुफ्त में मिल जाएगी? जेब तो हल्की करनी ही पड़ेगी। अच्छा भाई अच्छा, जो तुम्हारा दिल करे सो करो। हाँ, तो चलिए यहाँ बैठ जाइए। हाँ बैठो, ठीक से बैठो, चौकी पर। अच्छा, लो बैठ गया। हाँ, 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 अरे क्या कर रही है? देखो क्या लगा रही है, नहीं लगाने दो, ये बहुत ज्यादा आराम लगाने दो। हाँ हाँ लगा भाई लगा, चलो ऐसे। मुझे परसों से यही अरमान कि भैया मेरा दूल्हा बने। पहले बने की मेहंदी आए, पहले बने की मेहंदी मेहंदी पे जाऊं कुर्बान के भैया। अरे ठीक है लगा रहा, क्या कर रही है रश्मि? दूसरे बने का जोड़ा आए, जोड़े पे जाऊं कुर्बान के भैया मेरा झोला बने। तीसरे बने का सेहरा आए, सेहरे पे जाऊं कुर्बान के भैया मेरा दूल्हा बने। मुझे बरसों से यही अरमान के भैया मेरा दूल्हा बने, के भैया मेरा दूल्हा बने। बहुत ज्यादा लगा दिया, ठीक है रश्मि, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। प्यार के रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार अभय भार्गव, हर्ष बाला, रश्मि दर, मंजू मैनी, सरोज भार्गव और यमन कौशिक, ध्वन्यांकन दीपक पांडेय, निर्माण सहयोग संतोष कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।